ट्रैक आया है हमारा, जो मंत्री हैं वो, और वो मेरी पॉपुलैरिटी का थोड़ा सा फ़ायदा उठा रहे हैं कि हाँ टीटू पॉपुलर है, और टीटू ने उनको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए थी, जो मेरे को बच्चों को उनको स्कॉलरशिप वापस दिलवानी थी, एमएलए को रिक्वेस्ट की थी कि सर आप उनकी स्कॉलरशिप शुरू कर दो, और मैंने उनके बच्चे की एक तरह से हेल्प करी तो उनको लगा, तो फिर मैंने कहा सर हाँ अपने तो अपने काम आते हैं, तो इसलिए अब आप भी मेरा काम कर दीजिए। तो वो उस बात को पकड़ के बैठ गए और वो तब से मेरा किसी ना किसी बात पे फ़ायदा उठाए जा रहे हैं, ये बात बोल के कि अपने तो अपनों का फ़ायदा उठाते हैं, अपने तो अपनों के काम आते हैं। सो टुडे आज इन्होंने एक गणेश महोत्सव जो रखा उसके अंदर बिना मुझे बोले, बिना मुझसे बात किए या पूछे, ये ऐड दे दिया कि टीटू विल बी देयर, टीटू आएगा गणेश महोत्सव। तो हम उन्हीं पे ही वो बाजी खेल रहे हैं, वो चांस खेल रहे हैं कि ठीक है गणेश महोत्सव में टीटू तो आ गया बिना उसके कंसेंट के, पर अब जो टीटू डांस अगर करेगा तो वो एक मिनट के 2 लाख रुपये या 1 लाख रुपये उनको चैरिटी को दिए जाएंगे। तो दैट इज़ एमएलए का प्लान, उसी पे उल्टा पड़ गया, तो वो भी शौक के अंदर है। तो वो हमारी स्मार्टनेस है कि अगर आप मिसयूज़ कर रहे हो तो ठीक है, हम आप ही का दाव आप पे खेलेंगे। और उसी मौके पे मैं ये डांस कर रहा हूँ, एंड आई फील ब्लेस्ड कि अभी गणेश महोत्सव चल रहा है, गणेश चतुर्थी चल रही है, गणेश आए हुए हैं बॉम्बे के अंदर, और इतना द ओनली सॉन्ग जो गणेशा पे है जो बहुत ब्रिलियंट है, जो हर कोई सुनता भी है, और वो सुनते ही ऐसा जोश आ जाता है। तो जब मेरे को कल पता चला मैं इस पे डांस करूँगा, तो कल से आई वॉज वेरी एक्साइटेड, एंड द कोरियोग्राफी इज़ नाइस टचवुड, जो आए हैं कोरियोग्राफर उन्होंने अच्छी बनाई है। तो आई एम फीलिंग गुड कि उसी मौके पे गणेश महोत्सव पे, गणेश फेस्टिवल पे ही मेरे को गणेशा को ये आरती करने को मिल रही है, ऐसा डांस करने को मिल रहा है ऑन माई शो। सो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग दिस मॉर्निंग जब मैं आया कि यार टचवुड यार ब्लेसिंग है।